एक बार प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। 2024 में अहोई अष्टमी कब है, तारों को देखने का समय क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की भलाई, लंबी आयु के कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। अहोई अष्टमी व्रत संतान की खुशहाली, तरक्की के लिए भी रखा जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी रखा जाता है। इस व्रत का पारण तारों को देखने के बाद किया जाता है। कुछ जगह पर महिलाएं चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती है। इस नियम का पालन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन देर से होते हैं। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को 1:18 पर प्रारंभ होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर समाप्त होगी। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखने के लिए शाम का समय है 6:06 से। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय रात 11:54 पर होगा। अहोई अष्टमी का व्रत माता अहोई को समर्पित है। इसे महिलाएं अपनी बच्चों की खुशहाली के लिए उनकी पूजा करती है। इस दिन को अहोई के आठे के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि अहोई अष्टमी व्रत अष्टमी तिथि के दिन होता है। अहोई अष्टमी की पूजा विधि, अहोई माता की तस्वीर को दीवार पर बनाया जाता है या फिर बाज़ार से हम फोटो लाकर पूजा करते हैं। फिर रोली, अक्षत और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद अहोई माता को मिठाई का भोग लगाते हैं। अहोई अष्टमी के दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद शाम को तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो भक्तगण, ये थी अहोई अष्टमी से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। अहोई माता की जय।